नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मास्कस के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मास्कस या मास्कस टर्न के सिम्टम। मास्कस सौथी को हिंदी में मृगा नाभि कहते हैं। यह उन लड़कियों के लिए विशेष उपयोगी है जो अधिक जिद्दी, स्वार्थी और मनमानी करने वाली होती है या फिर हिस्टीरिया रोग से पीड़ित होती है। हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त लड़कियों के लक्षणों को समझना बहुत कठिन होता है। हिस्टीरिया रोग से पीड़ित लड़कियों में ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखने से आश्चर्य होता है। कभी कभी तो वह सबको डरा देती है। वह इस तरह की हरकतें करती है कि बड़ी ही भयानक मालूम होती है। वह अपने अंदर ऐसे ऐसे लक्षण बताती है जो कि चिकित्सक उनसे कौन सा साधारण और कौन सा साधारण लक्षण है विचार करने पर हैरान हो जाता है। वे ऐसे लक्षणों को बताती हैं कि उन पर विश्वास नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां उसके अंदर है। इस प्रकार के हिस्टीरियाग्रस्त शरीर लड़की को यदि कोई छोटा सा भी रोग हो जाता है तो भी उस रोग को वो बड़ा कठिन रोग बताती है। यह सच है कि उसे परेशानी है, पर वह इतना नहीं जितना वो बताती है। यह याद रखना चाहिए कि हिस्टीरिया रोग से पीड़ित लड़की को ठीक करना बहुत कठिन होता है। यदि रोगी लड़की को यह पता चल जाए कि डॉक्टर उसके रोग को ठीक करने में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है तो दोबारा उपचार के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाएगी। हिस्टीरिया रोग से पीड़ित लड़की के छाती के बीच में एक गोला सा रखा हुआ महसूस होता है तथा गोला ऊपर की ओर चढ़ता हुआ महसूस होता है। सर्दी तथा गर्मी जरा सी होते ही महसूस होती है। पुट्ठे कांपते हैं, नींद नहीं आती है, दिल में धड़कन होती है और मूर्छा आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित लड़की के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पागलपन की अवस्था होने के साथ ही बेहोशी के दौरे पर रहे हों, ठंड के मौसम में लक्षणों में वृद्धि होती है, हवा बर्दाश्त नहीं हो रही हो तथा हाथ पैरों में कपकपी भी हो रही हो तथा बार बार बेहोशी की समस्या हो जाती हो, पेट फूल रहा हो, मानसिक तनाव अधिक हो जाता है तथा पेशियों में ठंड लगती है। इस प्रकार के लक्षणों में से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मास्कस औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है। जैसे मन से संबंधित लक्षण, रोगी को पागलपन की स्थिति हो जाती है तथा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, बिना बात पर हंसी आती है, रोगी गाली गलौज करना पसंद करता है, धड़कन की गति अनियमित हो जाती है, कभी कभी अचानक चौंक पड़ता है तथा डर जाता है और सेक्स संबंधित रोग उनका भ्रम हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को किसी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के नाक की जड़ के ऊपर दबाव महसूस होने के साथ ही दर्द होता है। सिर के ऊपरी भाग में दबाव महसूस होता है। जरा सा भी चलने फिरने से सिर में चक्कर आने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि बहुत ऊंचाई से गिर रहा हूं। कान में तोप छूटने जैसी आवाज होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का उपयोग काफी लाभदायक होता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी को काफी कॉफी तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होती है, भूख नहीं लगती है, किसी भी चीज़ों के स्वाद की पहचान नहीं हो पाती है, छाती में दर्द भी होता है, आमाशय फूल जाता है, खाते समय बेहोशी होती है, पेट अत्यधिक फूल जाता है, हिचकी आती है। इन लक्षणों के रूप होने के साथ ही रोगी के दिमाग ठीक से कार्य नहीं करता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का प्रयोग करना काफ़ी लाभकारी होता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, संभोग करने की इच्छा अधिक होती है तथा उत्तेजना भी अधिक होती है,
अपने आप विलक्षण हो जाता है। नपुंसकता रोग होने के साथ ही रोगी को यदि मधुमेह रोग भी हो गया हो और या फिर अधिक पतला पेशाब आता हो, जवानी में ही वृद्धों जैसी नजर आना, शंभू करने के बाद जी मिचलाना तथा उल्टियां आना, इस प्रकार के पुरुष रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का प्रयोग करना चाहिए, इससे रोग ठीक हो जाता है। स्त्री रोग, स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में स्राव नियमित समय से बहुत पहले तथा अधिक मात्रा में हो और साथ ही बेहोशी होने की समस्या हो गई हो तो रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का उपयोग करना चाहिए। शंभू करने की इच्छा होने के साथ ही जननेंद्रियों में सुरसुरी हो रही हो, जननेंद्रियों की ओर खिंचाव और दबाव लगता है जैसे मासिक स्राव होने वाला है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का प्रयोग करना श्रेयस्कर रहता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी जब पेशाब करता है तो अधिक मात्रा में पेशाब होता है तथा उसे बेहोशी की समस्या भी हो जाती है, उसके रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का उपयोग करना फायदेमंद होता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी की छाती में दबाव महसूस हो रहा हो तथा सांस लेने में परेशानी भी होती हो, स्वर यंत्र तथा श्वास प्रणाली में अपने आप सिकुड़न हो रही हो तथा सांस लेने में अधिक परेशानी हो रही हो और साथ ही छाती में दबाव भी महसूस हो रहा हो और दमा रोग के तरह का लक्षण हो गया हो, फेफड़ों में लकवा जैसा प्रभाव देखने को मिलता है, फेफड़ों में लकवा के जैसा प्रभाव देखने को मिलता है, दमा रोग होने के साथ ही अधिक डर तथा घुटन हो रही हो, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का प्रयोग करना उचित होता है। हृदय से संबंधित लक्षण, रोगी को पागलपन की स्थिति हो जाती है तथा उसके हृदय की धड़कन अनियमित रूप से धड़कने लगती है, हृदय पिंड के चारों ओर कंपन होता है और नाड़ियां कमजोर हो जाती है तथा बेहोशी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का प्रयोग करना काफी लाभदायक होता है। त्वचा से संबंधित लक्षण, त्वचा रोग, यदि रोगी को ठंड लग रही हो तथा एक साथ गर्म और पीला तथा एक हाथ गर्म और पीला हो गया हो और दूसरा ठंडा और सुर्ख हो, एक हाथ गर्म और पीला हो गया हो और दूसरा ठंडा तथा सुर्ख हो तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्का सौदी का सेवन करना चाहिए। वृद्धि, एग्रेशन, खुली हवा में ठंड अधिक लगती है तथा ठंड लगने से रुक लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन, खुली हवा में रहने से तथा शरीर पर घर्षण करने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। संबंध, रिलेशन, नक्स मॉस्केटा, वैलेरी, इग्ने, असाफी और जो कुछ गुणों की तुलना आप मास्का सौदी से कर सकते हैं। प्रतिविष, कैम्फर, कॉफिया औधि का प्रयोग मास्का सौदी के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मात्रा, मास्का सौदी की 1-3 शक्ति तक का प्रयोग रोग लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।